भारत सहित पूरी दुनिया खतरनाक कोरोना वायरस से जूझ रही है। इसी बीच भारत में एक और घातक बीमारी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक हो चुकी है। इस बीमारी ने असम में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। असम सरकार के मुताबिक करीब 2500 सूअरों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है। दरअसल रविवार को असम सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य के 7 जिलों में 306 गांवों में यह बीमारी फैल रही है। इस खतरनाक बीमारी से अब तक 2500 सूअरों की मौत हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने अफ्रीका स्वाइन फ्लू की पुष्टि की है। देश में यह पहली बार है कि इस बीमारी ने दस्तक दी है। यह संक्रमण इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित सूअरों की मृत्यु दर 100% है। उन सूअरों को बचाने की रणनीति तैयार की जा रही है जो अभी संक्रमण से बचे हुए हैं। बोरा ने बताया कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भी असम सरकार सूअरों को मारने की बजाय इस घातक संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अन्य रास्ता अपनाएगी। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।